रुद्रप्रयाग का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चौपटा मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में विख्यात है। सर्दियों के मौसम में यहाँ जमकर बर्फबारी होती है। बर्फबारी होने के बाद लाखों की संख्या में देश विदेश के पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। 31 दिसंबर से लेकर अब तक चौपटा में 1,00,000 से अधिक पर्यटक पहुँच चुके हैं। पिछले एक महीने से चौपटा के सभी होटल लॉन्च एडवांस में ही बुक चल रहे हैं। चौपटा से 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई पर स्थित तृतीय केदार टुंगनाथ जी का मंदिर विराजमान है। टुंगनाथ के कपाट शीतकाल में बंद चल रहे हैं, लेकिन पर्यटक यहां बर्फीले रास्ते पर ट्रैक कर रहे हैं। चौपटा में पिछले 3 दिनों से जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण चौपटा बद्रीनाथ हाईवे भी बंद है, लेकिन बावजूद इसके पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलकर चौपटा पहुंच रहे हैं। लोग 2-3 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं और फिर अभी भी बर्फबारी चली रही है। देखते हैं आगे 2-3 दिन का और अपडेट मौसम विभाग ने दे रखा है, तो देखते हैं कब तक बर्फबारी होती है। प्रशासन की ओर से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं राउत साहब ने? देखो 2-4 दिन से यहाँ पे जेसीबी वगैरह, जैसे NH हाईवे की जेसीबी वगैरह आती थी, लेकिन 2-3 दिन से वो भी थोड़ा वेट कर रहे हैं कि बर्फ़ कितना गिरता है, उसके बाद हम एक ही बार साफ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे वैसे जेसीबी विभाग की तरफ से लगी हुई है। यहाँ पे बहुत आ रहे हैं सर, एक दिन में कम से कम 1,500 लोग अप डाउन कर ही रहे हैं। रहने की पूरी व्यवस्था है? रहने की व्यवस्था तो पूरी है सर, लेकिन लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं जहाँ तक पूरा रहने के लिए, क्योंकि यहाँ से देखो 3-4 किलोमीटर आगे हमारा कैंप है, फिर आगे 2-4 होटल है, फिर ऊपर ज़्यादा कैंप वगैरह होटल वगैरह है, तो वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं जी, क्योंकि गाड़ियाँ पूरी रास्ते में फिसल रही है। आज रुद्रप्रयाग से चौपटा आई हूँ और ये पहली बार है मेरा चौपटा में विजिट। इससे पहले औली आ चुकी हूँ, बट इस इलाके में पहली बार आ रही हूँ उत्तराखंड के। कैसा लग रहा है यहाँ के? और यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि स्नो तो देखा था बट स्नोफॉल पहली बार देख पा रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस लग रहा है ये। चौपटा में 4 से 5 फीट के बीच बर्फ जमी है। चौपटा के होटल लॉन्च दुकानों आवासीय घरों में भी छत भी बर्फ की मोटी चादर से ढकी हुई है। चौपटा के हरे भरे पेड़ इन दिनों बर्फबारी के कारण सफेद दिखाई दे रहे हैं। पर्यटक भी दूर दराज क्षेत्रों से यहां पहुंचकर जमकर मजा ले रहे हैं। बीओ अगस्पुनी से हूं और ये हमारा लोकल हिल स्टेशन है और यहां पे हर साल जो है बर्फबारी तो बहुत अच्छी होती रहती है और इस बार भी बहुत अच्छी बर्फबारी भी है और पर्यटक भी इस बारी तो लग रहा है कि बहुत तादाद में पहुंच रखे हैं जगह जगह से। जगह जी रास्ता बंद हो गया है? हाँ, आगे बता रहे हैं कि आगे रास्ता बंद है। हम भी बहुत लंबा जो है पैदल चल के आए वहाँ से ना, तो यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ होनी चाहिए प्रशासन की, थोड़ा वो व्यवस्था होनी चाहिए ना पर्यटकों को, अगर रास्ता बंद है तो थोड़ा लोकल कोई वो वाहन हो जाए या जो भी है ना मैटर में थोड़ा वीक हो सकता है यहाँ पे सिग्नल का, बाकी तो ठीक ही है। यहाँ पर बहुत अच्छा है, यहाँ पर लग रहा है शिमला आए हैं हम। अच्छा, कितने बार आए? लगभग 3, लेकिन इतनी अच्छी बर्फ आज तक नहीं देखी। मेरा नाम आकांक्षा जग्गी है और हम अगस्तमुनि से आए हैं। हमें बर्फ़ में बहुत अच्छा लगा, हमने फ़ोटो भी खींची। यहाँ पे बर्फ़ बहुत अच्छी गिरी हुई, ऐसा लग रहा है जैसे शिमला में आए हैं। रुद्रप्रयाग से अंकित चंद्र भट्ट की यह रिपोर्ट।